कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में अंतिम भगोरे हाट में कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कुक्षी भगोरे हाट में कांग्रेस के दबंग विधायक राव, विधानसभा के जीतू पटवारी, आदिवासियों के हितेशी, आदिवासियों की विधानसभा में आवाज को बुलंद करने वाले, किसानों के मुद्दे उठाने वाले पटवारी और कुक्षी विधानसभा में सभी के लाड़ले विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भगोरिया हाट में शामिल हुए। कुक्षी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया और आने वाले विधानसभा चुनाव की ताल ठोकी है। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। मेरे बड़े भाई, और हर बार विधानसभा में आदिवासियों की बात रखने के लिए मेरे साथ हर बार खड़े हुए हैं। मैंने आग्रह किया माननीय जीतू पटवारी जी से, पूर्व मंत्री विधायक रहू के, कि आप आदिवासी समाज की मांग है, जो व्यक्ति किसानों की लड़ाई लड़ता, आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को आप हमारी विधानसभा में बुलाइए। सहर्ष विनम्र दिल से उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं कुक्षी की जनता की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से, इस हमारे पारंपरिक आयोजन में उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, और होली की सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे कुक्षी के परिवार के लोग, धार के परिवार के लोग, आदिवासी समाज का ये राष्ट्रीय पर्व भगोरिया हमारे परिवार के लोग हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक है, आदिवासियों की प्राचीन विरासत का प्रतीक है, ये आदिवासी परिवारों के हक और अधिकारों का प्रतीक है। जो कुक्षी में हनी बघेल जी ने नर्मदा की बात हो, यहाँ के विकास की बात हो, यहाँ के परिवार के लोगों के संबल और अधिकारों की लड़ाई की बात हो, विधानसभा में हमेशा उठाया है। अब एक नई मांग, एक नई नया विचार जो यहाँ के किसान बंधुओं के लिए है कि इस किसान की इनकम अगर डबल करना है तो हर हाल में 3,000 रुपया गेहूं और अनाज, मक्का और ज्वार खरीदना पड़ेगी। जो सरकार 3,000 रुपया अनाज खरीदेगी, उसी को आदिवासी का, किसान का, किसान के बेटों का मत मिलेगा, अधिकार मिलेगा, वोट मिलेगा। ये भावना हमारे सबके मन में जगाने का एक भाव भी इस वक्त हम सब विचार कर रहे हैं। मैं कुक्षी के परिवार के लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस विचार को आप भी बल दो, ताकत दो। कांग्रेस की सरकार आएगी, हमेशा आदिवासियों की हितों की, वो चाहे 1,00,000 के पद हो, चाहे आदिवासियों के और भी 10 तरीके के अधिकारों की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासियों की ही पार्टी कांग्रेस पार्टी इस भाव को जिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।